जो मैं आपसे करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है, मैं पंकज रिपोर्टर। मैं आपको बता दूं, आज ईदगाह में आज जो ईद की नमाज अदा हुई है, आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में ईद जो है मौजूदा कमेटी ने नमाज तामीर किया है। जा रहे हैं नमाजी जो है ईद की नमाज पढ़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे चार चौपड़ व्यवस्था की जाती गई, देख सकते हैं। और यहाँ पर शाही ईदगाह जो है पूर्वांचल की सबसे बड़ी शाही ईदगाह होती है। यहाँ पर बकरीद और ईद की नमाज अदा होती है और यहाँ पर जो है नमाजी जो है नमाज अदा करके जा रहे हैं, अपने घर को लिए जा रहे हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी इंतजाम किया गया है और यहाँ पर ईद की नमाज जो है सकुशल सम्पन्न कर लिया गया है। ताकि तुम्हारी आदत गुनाहों से बचने की हो जाए, ताकि तुम गुनाहों से बच सको, ताकि तुम देखभाल हो सको। अल्लाह कहता है कि रोजा तुम्हारे ऊपर सिफे बन हुआ ताकि तुम मुस्तकी बन जाओ, गुनाहों से बच सको। रोजे से गुनाहों से क्या ताल्लुक है? तो रोजा तीन चीजों से रोजे का नाम है। इस ताकि सलाता तीन चीजों से जोड़ने का नाम रोजा है। अल अकलू व शुर्बू व सिमा, खाना पीना और सेवा, इन तीन चीजों से जोड़ने का नाम है रोजा है। और इन तीन चीजों का हमने कठोरा सिर्फ अल्लाह के पहले को रोकने को दिया। खाना भी हलाल है, पानी भी हलाल है, पीने भी हलाल है, लेकिन हमने अल्लाह के रुख की वजह से खाली भैया जिस सरकारी
ईद के अवसर पर समुचित पुलिस प्रबंध किया गया। संपूर्ण जनपद को 2 सुपर जोन, 7 जोन, 28 सेक्टर में बांटा गया। सभी जगह LIU सादे में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई। पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मी PSC बल की ड्यूटी लगाई गई। हमारे साथ जिला प्रशासन के भी पर्याप्त संख्या में अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार।